हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जहां पर हमने कल कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था, एक जीव के आधार पर और एक केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं उसके आगे का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना के बारे में कि कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है, इसके संदर्भ में हम उसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए कोशिका की संरचना कैसे होती है वो देख लेते हैं अपन। हेडिंग लिखना कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना। जब भी हम बात करते हैं कोशिका की संरचना की तो होती क्या है, कोशिका की संरचना अत्यंत क्या होती है, जटिल होती है। कैसी होती है, अत्यंत जटिल होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं अंदर, अलग अलग क्या होते हैं उसमें, जीव द्रव होते हैं उसमें, जो कि उसमें फिलअप रहते हैं। तो कोशिका की संरचना प्रायः कैसी होती है, अत्यंत जटिल होती है, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करती है। इसमें जो उसकी आकृति होती है कोशिका की संरचना की, वह अंडाकार हो सकती है, उसके बाद गोलाकार हो सकती है, स्तंभाकार हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है उसकी बेलनाकार, इतने प्रकार की उसमें, या फिर एक और क्या आ सकता है, बहुभुजाकार। तो हमें कुछ पॉइंट इसमें याद रखना है कि कोशिका की जो संरचना होती है अंडाकार, गोलाकार, स्तंभाकार, बेलनाकार एवं बहुभुजाकार होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोशिका की संरचना कहते हैं। अब कोशिका की संरचना की बात बात करते हैं अपन इसी में आगे। कोशिका की संरचना में जो मुख्य बिंदु आता है वह क्या आता है उसका, कोशिकांग। क्या आता है, कोशिकांग। अब यह कोशिकांग क्या होता है, देखो आप सब ने जान लिया होगा कि कोशिका की संरचना कैसे होती है। अभी जो मैंने टर्म आपको बताई है वही याद करना है इसमें, और कुछ ज्यादा याद नहीं करना कि कोशिका किस प्रकार से बनी होती है, वही उसकी क्या होती है, संरचना होती है। अब संरचना के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, कोशिकांग पढ़ेंगे। अब कोशिकांग में क्या होता है, कोशिका का जो कोशिकांग होता है वह क्या होता है, एक तरीके से कोशिका का भाग होता है। इसमें ब्रैकेट में लिख लेना कोशिका का भाग, क्या लिखोगे अपन इसमें, कोशिका का या फिर कोशिका के भाग, कोई अपन क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। कोशिका की संरचना में कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं, उन्हीं सबको अपन क्या बोलते हैं, कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। मुख्य रूप से मैं आपको कोशिकांग के भाग के बारे में बता दे रहा हूँ। यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है इसमें, कोशिका का आवरण। पहले क्या आता है इसमें, कोशिका का आवरण। सेकंड नंबर पे क्या आएगा इसमें, जीव द्रव। और थर्ड नंबर पे इस पे आएगा रिक्तियां। इसी का एक और नाम क्या होता है, रसधानियां। क्या नाम होता है, रसधानियां। तो कोशिकांग के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहले भाग का नाम क्या है, कोशिका का आवरण। दूसरे भाग का नाम क्या है, जीव द्रव। और तीसरा वाला जो भाग है उसका नाम क्या है, रिक्तिका। ये तीनों नाम हम इसको याद रखना है। तो चलिए पहले वाले भाग की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कोशिका का आवरण क्या होता है। मैं यहाँ पे बोल के आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ क्या होती है, इसको समझा देता हूँ। कोशिका का आवरण क्या होता है, कोशिका के आवरण से यह तात्पर्य है कि कोई भी कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है, बाहरी क्षेत्र होता है, किस प्रकार से वो उसकी परत है, किस प्रकार से उसकी लेयर है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, कोशिका का आवरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसी को अपन, कोशिका का आवरण कहते हैं। जो कि कोशिका का सबसे बाह्य आवरण होता है उसी क्या बोलते हैं अपन, कोशिका का आवरण। कोशिका का आवरण मुख्य रूप से दो प्रकार से, क्या कहा मैंने कि कोशिका का आवरण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, कोशिका भित्ति, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या होगी, कोशिका झिल्ली। दूसरा क्या होगा यहाँ पे,
कोशिका झिल्ली। कोशिका का आवरण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला क्या होता है, कोशिका भित्ति, और दूसरी क्या होती है, कोशिका झिल्ली। तो पहले हम बात करेंगे कोशिका की भित्ति के बारे में। तो जब भी हम कोशिका की भित्ति की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे पहले अपन, कोशिका की भित्ति के बारे में, कि कोशिका की भित्ति क्या होती है। जब भी हम किसी भी कोशिका के आकार और उसकी आकृति की बात करते हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, कोशिका की भित्ति की बात कर रहे होते हैं। जैसे आप, मैं बात बता दूं, भित्ति मतलब क्या होती है, दीवार होती है। जिस प्रकार से हमें हमारे घर के कमरों की जो दीवार होती है, वह हवा पानी वायु से सुरक्षित रखती है हमें घर के अंदर, उसी प्रकार से कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका में आंतरिक रूप से जितने भी आघात होते हैं या फिर बाह्य रूप से जितने भी आघात होते हैं, उन आघातों से रक्षा करने का काम किसका होता है, कोशिका की भित्ति का होता है। ये क्या होता है, उसका रक्षा कवच होता है। तो कोशिका के आवरण की सबसे पहली जो परत होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कहते हैं उसको अपन, ठीक है। यह जो कोशिका भित्ति होती है, यह अत्यंत मोटी, दो तीन टर्म इसमें याद करना है, अत्यंत मोटी कठोर एवं निर्जीव आवरण युक्त होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा इसी में, कि जो कोशिका की भित्ति है, इसको किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। यदि प्रश्न पूछे हैं कि कोशिका की भित्ति का खोज किसने की, तो आंसर क्या होगा हमारा उसमें, रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें जानेंगे कि कोशिका की भित्ति का निर्माण कैसे होता है, कोशिका के अंदर। आगे लिखना, कोशिका भित्ति का निर्माण। कोशिका भित्ति का निर्माण, अब जान लो ये क्या होता है, कि कोशिका की भित्ति का निर्माण कैसे होता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कैसे बनती है, कि जब कोई कोशिका क्या हो रही होती है, विभाजित हो रही होती है। जैसे ये मान लो ये कोई कोशिका है, एक पूरी कोशिका है, जब ये दो भागों में क्या हो जाए, ऐसे क्या हो जाए, विभाजित होने लगे, यहाँ से क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, जब कोई कोशिका एक है, वो क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो विभाजित होने की जो अवस्था होती है, उसे क्या बोलते हैं, अंत्य अवस्था। क्या बोलते हैं उसे, अंत्य अवस्था बोलते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या होगा, कि कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका के विभाजन की अंत्य अवस्था में प्रद्रव्य जालिका की नलियों की छोटी छोटी नलियों के द्वारा होता है, नलिकाओं द्वारा होता है। क्या बात याद रखेंगे अपन यहाँ पे, कि कोशिका के भित्ति का निर्माण कोशिका के विभाजन के अंत्यावस्था जो स्टेज होती है, उसके अंतःप्रद्रव्य जालिका की छोटी छोटी नलियों के द्वारा होता है। इतनी बात अपन को इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे, जब कोशिका की भित्ति का निर्माण हो गया, अब क्या बात करेंगे, कि कोशिका की भित्ति किन किन जगह पे पाई जाती है, किन किन जीवों में पाई जाती है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पॉइंट है हमारा, इंपोर्टेंट, इस पर IMP लिख लेना आप। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है इसका, कि कोशिका की भित्ति जो होती है, वह पादपों में क्या होती है, उपस्थित होती है, जबकि जंतुओं में क्या होती है, ये अनुपस्थित। नहीं तो समझो क्या, कि जंतुओं में ही बोल दो कि उसमें ही पाई जाती है कोशिका भित्ति, जंतुओं में क्या होती है, अनुपस्थित। तो क्या याद रखना है अपन को यहां पर, कि कोशिका कि जो भित्ति होती है,
भाई पादप, पादप मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, उसमें क्या होती है ये उपस्थित होती है अथवा उसमें पाई जाती है, जबकि जंतुओं में ये क्या होती है अनुपस्थित, अर्थात जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, जब पादपों में ये पाई जाती है तो पादपों में जब ये पाई जाती है तो यह कोशिका भित्ति पादपों में सेल्यूलोज, ये मैंने पीछे ही पढ़ाया एक बार और, सेल्यूलोज एवं पेक्टोज की बनी होती है। काहे की बनी होती है, सेल्यूलोज एवं पेक्टोज की बनी होती है। अब इसमें तो ये अनुपस्थित है तो इसमें तो हो गई नहीं, तो क्या याद रखना है अपन को, कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका को अन्य आघातों से, जितने भी आघात होते हैं उससे रक्षा करती है, जो कि अत्यंत मोटी कठोर एवं निर्जीव आवरण युक्त होती है। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद कोशिका की भित्ति का निर्माण कब होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है और विभाजन की जो स्टेज होती है अंत्यावस्था, उसमें स्टेज के दौरान अंतःप्रद्रव्य जालिका की छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा होती है। कोशिका भित्ति पादपों में क्या होती है उपस्थित, जो कि सेलुलोज एवं पेक्टोज की बनी होती है, जबकि जंतुओं में क्या होती है अनुपस्थित होती है। तो इतनी बात हमें इसमें क्या करना है, याद रखना है कोशिका भित्ति में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना अच्छे से पढ़ लेना इसमें। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे हम पढ़ेंगे कोशिका की झिल्ली के बारे में। बात करते हैं कोशिका की झिल्ली, जब भी हम बात करेंगे कोशिका की झिल्ली के विषय में, तो जो कोशिका की झिल्ली होती है यह क्या होती है, जीव द्रव की ऊपरी परत होती है। जो हम आगे पढ़ेंगे ना जीव द्रव, इसकी क्या होती है बाह्य परत होती है, क्या होती है बाह्य परत होती है। कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जीव द्रव की बाह्य परत होती है, जो कि जेल नुमा संरचना के समान होती है एवं यह लिपिड या प्रोटीन, ये वर्ड बहुत ही, लिपिड या प्रोटीन की बनी होती है। प्रश्न पूछेंगे वो कि कोशिका झिल्ली किससे निर्मित होती है, तो आंसर क्या होगा, लिपिड या प्रोटीन। कहाँ पाई जाती है ये, जीव द्रव की बाह्य परत पर होती है। ठीक है, संरचना कैसी होती है इसकी, जेल नुमा, जेल देखा होगा ना आपने, बिखरा बिखरा सा रहता है, फैला फैला सा, उसी के आकार की ये होती है सेल मेम्ब्रेन जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या याद रखेंगे, लिपिड प्रोटीन्स की बनी होती है इसलिए इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानेंगे, लाइपोप्रोटीन। इसलिए इसे लाइपोप्रोटीन झिल्ली भी कहते हैं, इसलिए इसे लाइपोप्रोटीन झिल्ली भी कहते हैं। तो इतना हमें इसमें याद रखना है झिल्ली के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा और आगे बचा इसे मैं वो बता दूं आपको। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे झिल्ली के कार्य, झिल्ली के कार्य, झिल्ली क्या काम करती है, क्या पढ़ेंगे हम इसमें झिल्ली के कार्य के विषय में।
झिल्ली मुख्य रूप से क्या काम करती है? जब कोई भी पदार्थ जीव द्रव से, बात सुनना मेरी, जब कोई भी पदार्थ जीव द्रव से इस झिल्ली के माध्यम से इंटरचेंज होता है, यहाँ से वहाँ जाता है, तो उस समय क्या होता है, उसको इंटरचेंज कराने में ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली सहायक होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कोशिका झिल्ली का सबसे मुख्य काम क्या होता है, जो भी अणु या फिर जो भी कोई आयन है या कोई भी इसमें से पदार्थ है, किसका पदार्थ, जीव द्रव का पदार्थ, को इंटरचेंज को हिंदी में कहते हैं अपन मुक्त अवस्था में, अणु आयन पदार्थों का आदान प्रदान करती है, सॉरी आदान इंटरचेंज मतलब हो जाएगा आदान प्रदान करती है, ये बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए आगे लिखना, इसमें कोशिका झिल्ली के अन्य नाम, ये परीक्षा में पूछा जाता है, कोशिका झिल्ली अन्य नाम, तो एक नाम तो पहले, सबसे पहले नाम तो कोशिका झिल्ली होगा, एक नाम जस्ट पहले मैंने आपको बताया था अभी, लाइकोप्रोटीन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा इसका, कोशिका झिल्ली, तो मैंने ये बताया है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली, या फिर क्या होगा जीव कला, गर्मी यार। उसके बाद क्या ले सकते हैं, प्लाज्मा जेल, प्लाज्मा जेल। एक और नाम क्या होगा, बायोलॉजिकल झिल्ली, ये नाम हमें इसके याद रखना है। एक और इसमें न्यूरो लेमा इत्यादि, तो ये नाम हमें विशेष तौर पर याद रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये नाम ना देकर ये नाम से पूछता है वो कि कोशिका झिल्ली के अन्य नाम कौन कौन से हो सकते हैं, ये ना दे क्या बोलेगा वो, या तो बोले लाइकोप्रोटीन, प्लाज्मा झिल्ली, या फिर प्लाज्मा जेल, जीव कला, या फिर बायोलॉजिकल झिल्ली, या फिर न्यूरो लेमा। इसको सही कर देता हूँ मैं, न्यूरो लेमा। इन सभी नाम से अपन किसको जानते हैं, कोशिका झिल्ली को जानते हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जिस प्रकार कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है, परंतु जंतुओं में क्या होती है, वो अनुपस्थित होती है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, कोशिका झिल्ली कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं एक बात, कि कोशिका झिल्ली जो होती है जीवों एवं पादपों दोनों में पाई जाती है, जीवों एवं पादपों दोनों में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। क्या, कोशिका झिल्ली। एक डायग्राम से देख लो आप इसको, जैसे ये मान लो कोई कोशिका है, ये मैंने मान लिया कि ये किसी पादप की कोशिका है, अर्थात पेड़ पौधे की, तो उसमें क्या होगा, जो तो सबसे बाह्य परत होगी उसकी, वो क्या होगी, उसकी कोशिका भित्ति। सेकंड परत क्या होगी उसकी, वो कोशिका झिल्ली। ठीक है, इस तरह देख लो थोड़ा इसका, ये तो हो गई पादपों के लिए, ये किसके लिए हो गई, पादपों के लिए। अब सेम बात मैं किसके लिए कर रहा हूं, जंतुओं के लिए। यदि मान लो ये मैं जंतुओं के लिए बात कर रहा हूं,
तो जंतुओं में क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित। तो जो ऊपर होगा ये वाला लेयर, ये क्या होगा, ये लेयर कोशिका भित्ति होगी या कोशिका झिल्ली होगी। मैंने कहा कोशिका भित्ति जंतुओं में क्या होती है, अनुपस्थित। तो उपस्थित क्या होगा फिर, कोशिका झिल्ली। तो ये पहली वाली जो परत होगी ये क्या कहलाएगी, इसमें कोशिका झिल्ली। यहां से बहुत बार प्रश्न बनता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। एक बार मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ अच्छे से, एक बार देख लो कि जब भी हम कोशिका की भित्ति की बात करते हैं तो पादपों में सबसे ऊपर की जो परत होती है वह क्या होती है, कोशिका भित्ति, और दूसरी परत क्या होती है, कोशिका की झिल्ली। सेम बात हम किसके लिए करते हैं, जंतुओं की कोशिकाओं के लिए। तो जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, अब्सेंस होती है, लेकिन झिल्ली क्या होती है, सॉरी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है परंतु कोशिका झिल्ली क्या होती है, उपस्थित होती है, जो किसकी क्या होती है, प्रथम परत कहलाती है, प्रथम परत। और इसकी प्रथम परत ये होगी फर्स्ट वाली, और ये क्या होगी, इसकी सेकंड परत होगी। तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ये थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा आईएमपी पार्ट है इसका, ये क्वेश्चन बनते हैं यहां से अपने। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, यदि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।